ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିରନ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣ ଗାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଲୋକମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର 80ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ମେରେ ପ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଓ, କଲ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କା ମହାପର୍ବ ବି ହେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କା ୟେ ପର୍ବ ୟାନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେ ଜନ୍ମ କା ପର୍ବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ସହ ପରିଚିତ। इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वे अमेरिकन है, जन्म अमेरिका में हुआ। यही अवसर रे प्रधानमंत्री सुदूर अमेरिका रे जन्मित जदुरानी दासी को कथा उठाई थिले। साथियों, दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाही है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है। संस्कृत भाषा को गुरुत्व दैछन्ति प्रधानमंत्री। गुजरात रो केवड़िया रे एक रेडियो स्टेशन रे रेडियो जॉकी एवं श्रोता को सह संस्कृत रे वार्तालाप रो उदाहरण दैछन्ति मोदी। विदेश रे संस्कृत पढ़ा जाउथबा कथा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किए हैं। मोदी कहिछन्ति, विश्व सर्जनार स्रष्टा हेउछन्ति विश्वकर्मा। आमर दक्षता प्रतिपादन भगवान विश्वकर्मा को आशीर्वाद द्वारा संभव। आमे एपरी काम करिबा जहां अन्यर विकासे सहाय्य करिबो। भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। जो भी अपने कौशल्य से किसी वस्तु का निर्माण करता है, सृजन करता है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट, ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रकटीकरण है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है। जातीय क्रीड़ा दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री मेजर ध्यानचंद को मने पकाई तांकर स्मृति चारण करिछंती। दीर्घ 4 दशक परे भारतर युववर्ग हॉकी रे पूर्णि थरे जीवन भरी दैछंती। समस्तक भागीदारी द्वारा ही भारतर क्रीड़ा क्षेत्र शिखर छुई पारिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। एबे युवकक मनरे परिवर्तन आसीथिबा कहिछंती प्रधानमंत्री। स्टार्टअप रे युवपीढ़ीक मनरे उत्साह ओ उद्दीपना भरिछि। कोरोना काल रे स्वच्छता प्रति ध्यान देबाकु प्रधानमंत्री परामर्श दैछंती। कोरोना काल रे देश रे टीकाकरण चालिछि। देश रे एजे 62 कोटी रु अधिक लोक टीका नै सारिछंती। कोरोना प्रति आमे सतर्क रहिबा, सजग रहिबा बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।